ये भाई एक ऐसी पब्लिसिटी जिंदगी है
कि ये ना हो तो दिलीप सेन और आप हम कोई नहीं है। और मैं इनके लिए चाहूंगा कि एक बार तालियां इसलिए बजाइए क्योंकि हम सबको घेरने में इनका बड़ा हाथ होता है, बड़ा प्यार होता है। अब बेटी आप भी आ जाओ, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, क्योंकि मेरे को चाहता हूँ मैं मेरे साथ फोटो खींच ले। बेटी बहुत अच्छा था, आपका नाम नहीं जाना मैं, नादिया हकानी, हकानी बहुत पावरफुल है, वजन है, वजन। अच्छा खुद खुद में तो अंकल गाना तो गाने तुमके होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जानना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। नदीम जी आई लव यू, यू लव मी। मैं बहुत खुश हूँ सबसे बड़ा कि मेरे लाडले प्यारे सुपरस्टार भाईजान सरवन जी आए हैं। और सरवन जी का मैं ये तो कहूँगा कि हम दोनों भाई राजस्थान के होने के नाते हम लोगों ने जो भी काम किया है राजस्थान को हमेशा पुश किया है और नाम बहुत आगे हुआ। अरे ये फिल्म बहन जी आप बहुत कमाओगी इसमें, और बेटा संगीतकार तू तो कमाल आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आज सामने बोल थैंक यू तो वो फोटो चपकी। चलिए थैंक यू। पहले संजीव जी को बोलो, हमारी तारीफ करो। सजीव है हमारे नजीब का, सजीव मंगला। इंग्लिश हिंदी सब चले, मैं इंग्लिश ही सुनता हूँ। रेस्पेक्टेड प्रोड्यूसर शिप्रा जी, शिप्रा नाम, राइटर एडिसर सर, मिस्टर आनंद पुनीतन, and all the invitees, we wishes well wishes and the Indian team memory of an idiot entity. I am taking this opportunity to say thank you to all of you because I too was able to be a part of this fantastic moment. And of course, this is the first Hindi movie in my music life. Thank you again, Sri Arun sir and Shipra ma'am, to give an opportunity to do the music for the beautiful Hindi Malayalam movie. I remember that Shipra ji's talent and dedication as a choreographer was an amazing for illustration of the all songs in the movie. It's been a wonderful experience, and of course I got the world class singer for this movie and one of the world class lyrics, and my dream of composing a song of Asha ji has come true. So if my knowledge is correct, I become the first Malayalam music director to compose a song for Asha ji in Malayalam film history. It is a wonderful achievement and a milestone in my life. It was fortunate that Sri Vijay Akela lyricists have been able to make music too. Another things I can say with pride, the wonder of Pradhima singing in Malayalam. It is an amazing and gifted singer to rise in the beautiful that I sure hear that she is the promise of the future. ये फिल्म 2020 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होगी क्योंकि इस फैमिली के नाम में ही सुर है, तो इतने अच्छे म्यूजिकल दिग्गज यहाँ पे खड़े हैं और इनकी फैमिली, इनकी कंपनी का नाम सुर है, सो इसको म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2020 इज़ अ इक्वल ईयर 20 एंड 20, ये हस्बैंड एंड वाइफ की जो जोड़ी है ऊपर वाला, इनको और कामयाब करें और इसी साल की तरह इनको हजारों साल की उम्र म्यूजिक। थैंक यू सर। नए साल की जरूरत में हम लोग ये इतना अच्छा काम कर पाए सबको लेके, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सच में हम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि सब आप लोग आएंगे और इतना बड़ा एक हम लोग इतना बड़ा करके इसको मना पाएंगे। बहुत बढ़िया पिक्चर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोगों का पहला ये जो कोशिश है इसको इतना बड़ा मकाम देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये फिल्म का मैंने म्यूजिक सुना और म्यूजिक मुझे बहुत ही
फिल्म इंडस्ट्रक्शन में गाएगी, और खास करके आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त आप लोग हम लोगों का जो साथ देते हैं, खास करके आज जो आप आए हैं नए लोगों के लिए इतनी। तो इस फिल्म के जितने कलाकार हैं और जितने भी टेक्नीशियंस हैं और हमारी ये बहन जी जो प्रोड्यूसर हैं इसकी, इसको हम तहे दिल से हमारी बहन को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि एक लाडली बहन के नाते जब हो सकती है कि दिलीप सेन मेरा भाई है, मैं आपके साथ हूँ, ये बहुत सुपर हिट फिल्म होगी। और बस मैं मीडिया से भी यही चाहूँगा कि इस पिक्चर को हो सके उतना चलाइए और इनके लिए दुआएं कीजिए। थैंक यू। दिलीप सर, दो हस्तियाँ यहाँ पे आई थी, आप थे और सचिन जी भी थे यहाँ। हाँ हाँ, क्या देखो भाई, मैं उनको हस्ती बोल सकता हूँ, अपने आप को कैसे हस्ती बोल सकता हूँ यार। रहीमा ने हीरा कब कहे लाख है मेरे मोल, मेरे लिए वो पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। क्योंकि देखिए 90 के दशक में जो काम नदीम सरवन जी ने किया, जो काम आनंद मिलिंद जी ने किया, जो काम दिलीप सेन समीर सेन जी ने किया, तो वो उसके तो गवाह आप सब लोग हैं और ये श्रोता लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में हमको प्यार दे के आज भी इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज कम से कम इस लायक तो हैं कि हम आके इस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं और आप लोगों के सामने खड़े हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पहली मर्तबा हुआ है हमारी फिल्म के इतिहास में, मतलब वैसे तो अक्सर हम फिल्मी फंक्शनों में तो मिलते हैं पर किसी म्यूजिक रिलीज में एक साथ में दो संगीतकार कभी नहीं जमा होते हैं। तो वो आप लोग का यू आर वेरी लक्की कि हम दोनों भाई आ गए और दोनों राजस्थानी भाई आ गए और खास करके तो सारी मीडिया आ गई है, तो आप यू आर वेरी लक्की। थैंक यू सर, थैंक यू। डर फर था, सब चला गया और मैं आराम से गा पाई, तो हाँ वो है। थैंक यू। ये एक्चुअली ये कहानी लिटिल बिट एक ट्रू स्टोरी के बेस में है। इट एक सिविल इंजीनियर, वो समहाउ मुंबई के एक बार में चले जाते उनके दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे जाके उसको एक बार डांसर से प्यार हो जाते, तो दैट इज द टर्निंग पॉइंट। सो आप लोगों को मोरल सबको मालूम है बार में एक्चुअली ये लड़की लोग क्या करते हैं, तो दैट्स व्हाई ये जो हमारे कहानी में जो इडियट है वो सिविल इंजीनियर जो है, और दैट लेडी जो के चीट कर रही थी इसको, तो शी इज दैट ब्यूटीफुल लायर, शी वॉज चीटिंग वेरी ब्यूटीफुली। सो दैट्स व्हाई ये मूवी का नाम हमने एन इडियट एंड ए ब्यूटीफुल लायर, और
ये मूवी में जो टर्निंग पॉइंट यही है कि दैट लेडी, नॉर्मली ये लड़की लोग ऑन एंड ऑफ सारे कस्टमर को चीट करते, बट समहाउ एक टाइम पे उसको फील हुआ कि ये लड़का वो नहीं था, सो शी रियलाइज हर फॉल्ट और गिल्टी व्हाटएवर यू से, सो देन दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. आप लोग जो लास्ट सॉन्ग देखा, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली. मान लीजिए बार डांसर से शी टर्न्स टू ए जोगिनी, सो दैट इज द मूवी. थैंक यू सर. शायर को देखिए, एक शायर को और क्या चाहिए अगर उन्हें गीत लिखने की पूरी आज़ादी दी जाए इसके अलावा. तो सच है, आपने सही कहा, कोहन प्यार है और कृष्ण बड़ी फिल्में हैं. आशा भोसले जी का एल्बम किया, खयाम साहब के साथ काम किया, और उसके बाद ये फिल्म, एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी हमें बहुत पसंद आई और इन्होंने कहा कि आप लिखिए. मैं कौन हूँ आपको कुछ करने का. मैंने हाजिर से गुजारिश की कि नहीं, अगर कुछ असरत होगा तो आप बताइएगा, मगर एक लफ्ज की भी हेरा फेरी नहीं की. तो ये शायर के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है कि उनकी भावनाओं को लोग समझें. इस फिल्म में मुझे मिली ये बात, और बहुत अच्छी कहानी है. हाँ जी, इस फिल्म में एक मुजरा है, और वो मुजरा यूं है कि दिल की बात कीजिए, यूं हंसी न कीजिए, आपको मेरी कसम दिल लगी न कीजिए, लीजिए हुजूर इस सुरमई नज़र का जाम, रहिए इस सुरूर में रोशनी न कीजिए, और भी दो तीन शेर हैं इसमें. तो वो फिल्म के साथ बहुत अच्छे तरीके से गया है, और आशा भोसले जी ने गाया है. माई गॉड, एट द एज ऑफ 88-90 आशा जी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, मज़ा तो जब आया जबकि हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सजीव मंगलथू साहब, वो हिंदी नहीं जानते थे, और आशा जी तो खैर सच मुझे सारे लैंग्वेजेस को जानती हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से नहीं समझ रही थी इनकी बातों को. लेकिन भाव भंगिमाएँ, स्टाइल, इमोशन, और फिर जो गाया वो आपके सामने है. ये मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ इसका रीज़न, वो मिला नहीं है जी. फिल्म तो आप लोग देख के आप लोग ही बता सकते हैं, हम लोग तो बोलेंगे बहुत अच्छी बनी है. लेकिन हम लोगों का पूरा कोशिश था कि एक लव फिल्म के बेसिस से एक थोड़ा दूसरा ट्विस्ट करके लोगों के दिल तक पहुंचे. और ये खाली एक स्टोरी समझ के लिखा गया स्टोरी नहीं है. मेरा हस्बैंड के साथ ये स्टोरी का कुछ रिलेशन था उनकी फ्रेंड के थ्रू, तो उन्होंने वो कोशिश किया कि उनको दिल को बहुत छुआ था ये सुन के, तो उन्होंने कोशिश किया कि इसको लिखने में पहले डाले, फिर देखते हैं इसका क्या असर होता है. लेकिन ये इतना तक आ गया, तो स्टोरी मेरे को लग रहा है सबको बहुत पसंद आएगी. एक ट्विस्ट म्यूजिक लॉन्च है और ये तो हम लोगों के लिए भी एक बड़ी बात है. वो लोग आके हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया, ये हम लोगों का क्योंकि पहला है. और सजीव जी का बात क्या बोले, उन्होंने तो बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, हम लोग हर टाइम में बोला है. और सबसे बड़ी बात, उनके लिए भी एक बड़ा फील्ड हो गया, उन लोगों को पसंद आया. ये मैं सोचती हूँ उनको हिंदी इतना समझ में नहीं आ रहा है शायद मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन वो फील कर पा रहे हैं मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ. उनके लिए भी बहुत ये रहा है, बहुत खुश थे रिकॉर्डिंग के टाइम. वो आशा जी के साथ थे, शान जी के साथ थे, चिन्मय ही तो साउथ के ही हैं, लेकिन उन्होंने भी हिंदी गाया है, ये भी मेरे को बोलना पड़ेगा. उन्होंने जो बार सॉन्ग का दो गाना है उन्होंने, चिन्मय जी ने गाया है इतना प्रोमिनेंटली एक्सप्रेशन से, वो भी सिंगर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाया है. ये सजीव जी के लिए भी बड़े काम है, और हम लोगों के लिए तो बड़ा है ही. वो लोग आके आशीर्वाद दिया, ये सबसे बड़ी बात है. लॉन्ग टाइम हमने मुजरा सुना है मैम. सही में ये आशा जी का भी कहा हुआ था, ये बाद में आप लोगों को कुछ बाद में पता चलेगा. उन्होंने हम लोगों को बताया था रिकॉर्डिंग टाइम कि दिल चीज क्या के बाद ये विजय सर ने जो लिखा है, बहुत साल के बाद ऐसे म्यूजिक भी उनको मिला, बहुत खुश थे वो उस दिन. तो हम लोगों के लिए ये भी एक बड़ी बात हो गई कि हम लोग न्यू कमर है, लेकिन इतनी बड़ी बात हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन की बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.